एक सेंटर बोलो भाई, एक सामने दे लो, इधर देखे तो एक सामने दे लो मैम, एक सेंटर थोड़ा मार दो, एक एक सोलो चाहिए, वेट सोलो ऊपर 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 बाइक मारो ना, सबके पास बाइक है तुम, चलो घूम से घूम घूम से तो बैठो मैम, यहां पे सेंटर मैम, लुक सेंटर वो ले चल ले, या चला चला घूम घूम चला घूम जा मैम, ये आपका पहला एक्सपीरियंस था, आपको पहले मूवी बनाने का? हाँ।
ये मैंने पहले इसके बारे में काफ़ी बार बात की है कि कैसे एक त्यौहार की वजह से एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए. नॉर्मली गणपति होता है तो पूरा शहर रुक जाता है, ट्रैफिक होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है और लोग पटाखे छोड़ते हैं. और सबसे जो बुरा मुझे लगता है वो वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि POP के गणपति बनते हैं या ऐसे गणपति बनते हैं जो पानी में विसर्जन के बाद कभी वो मेल्ट नहीं होते, वो रिसाइकल नहीं होते. तो इसीलिए आज मैं यहाँ आई हूँ ट्री गणेशा के ये वर्कशॉप में, जहाँ इन लोगों ने काफ़ी दिन से ऐसे गणपति बनाए जो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है. इनको आप विसर्जित करेंगे तो ये आपके घर में ही रहेंगे, और इनको नॉर्मली वाटर करेंगे तो इस तरह प्लांट उगेंगे. आप देखिए ये ये भिंडी का पौधा है, लेडी फिंगर जिसे कहते हैं, और कुछ भी उगा सकते हैं आप घर में. तो ये एक अच्छा है क्योंकि आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि गणपति विसर्जन के बाद भी घर में आसपास ही है. और मैं जैसे बीच के बराबर में रहती हूँ तो विसर्जन के बाद अगले दिन मतलब गणपति का कभी हाथ, कभी पाँव, कभी सूंड, दांत, सब कुछ ऐसे बीच पे पड़ा होता है कचरे के साथ, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है. और मुझे लगता है कि जो हमारी मरीन लाइफ है, जो मछलियाँ हैं, उन पे कितना पोल्यूशन आता है. इसमें टॉक्सिक पेंट यूज़ होता है, POP यूज़ होता है. सो भगवान, पानी को भी भगवान मानते हैं, वरुण भगवान, तो हम एक भगवान के लिए दूसरे भगवान को प्रदूषित नहीं करना चाहिए. इसलिए मैं आज यहाँ आई हूँ. और कोई सवाल? जैसे भी आपने कहा कि अभी लोग कह रहे थे साउंड जो डीजे है वो बंद कर दिया गया है, और ऐसी बात है जो आपको गलत लगती है गवर्नमेंट को बंद कर देना? जो मुझे गलत लगता है वो ये कि त्यौहार के नाम पे लोग सड़क पे दारू वारू पी के भगवान के नाम पे बेकार गानों पे डांस करते हैं. तो मुझे लगता है कि एक रूल होना चाहिए कि जैसे भजन या कुछ लोगों को चलाने हो तो चले, पर मतलब आइटम सॉन्ग्स वगैरह की कोई जगह नहीं है विसर्जन के प्रोसेशंस में. आप अपने घर पे इससे पहले इसको फैंटी रखते हो या ये फर्स्ट टाइम? नहीं, मैं अपने घर पे गणपति रखती हूँ, पर वो इतने से हैं क्योंकि मैं उनको इजीली रिसाइकल कर सकती हूँ. और मैं वैसे पौधों में ही डाल देती थी, पर मुझे जब पता चला कि यह एक्चुअली प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम हो रहा है तो फिर मैं इसके साथ जुड़ना चाहती हूँ. आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि इको फ्रेंडली? हाँ बिल्कुल, ये तो बेसिक कॉमन सेंस की बात है. किसी को भी पता है कि बॉम्बे ने अपने समंदर को इतना पोल्यूट कर दिया है, केमिकल पोल्यूशन है, तो हम उस पोल्यूशन को क्यों, वाई शुड वी मेक इट वर्स? त्यौहार एक बहाना होता है लोगों को इंजॉय करने के लिए, पर उसको अच्छी स्पिरिट में देखा जाए तो जैसे हमारे एक पुरानी का कहावत है कि माटी से आया माटी में मिल गया, उसी तरह से मुझे लगता है त्यौहार को मनाना चाहिए कि जैसे किसी को नुकसान ना हो, नेचर को भी नुकसान ना हो. आप